वेलकम यूट्यूब। आज मैं आपको सिखाने जाऊंगा कि आप अपने मेमोरी कार्ड या किसी भी ड्राइव से रिकवरी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है मिनी टूल पावर डाटा रिकवरी। ये सॉफ्टवेयर है मिनी टूल डाटा रिकवरी 7.0। तो आप ये इंस्टॉल कर लेंगे सिंपली गूगल पर जाकर। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। आप इसको ओपन करिए। नाउ आप ये देख सकते हैं कि पावर डाटा रिकवरी ये पूरा खुल गया। तो इसमें आप अनडिलीटेड रिकवरी भी कर सकते हैं, लॉस्ट पार्टीशन रिकवरी भी कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया रिकवरी भी कर सकते हैं और सीडी और डीवीडी रिकवरी। तो अगर मुझे अनडिलीट रिकवरी करनी है मान लीजिए, तो नाउ मैं अनडिलीट रिकवरी पे क्लिक करता हूँ। ये डिवाइस को स्कैन कर रहा है। तो आपने सिंपली ये आपकी सी ई और जी फाइल्स आ गई, जो जो आपने इनमें से अगर फाइल डिलीट करी होगी जो, तो वो आपकी रिकवर हो जाएगी। तो जैसे कि मुझे ई से रिकवरी चाहिए तो मैं इसको स्कैन करता हूँ। ये देखिए ये लॉस्ट फाइल एक ही थी। नाउ इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड सेव। तो नाउ ये सेव हो रही है फाइल। तो आप ये देख सकते हैं मुझे डेस्कटॉप पे ही करना है। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा एंड ओके। सो फाइल रिकवर हो गई। ओके द सिलेक्टेड फाइल हैव बीन सेव्ड। तो नाउ इसको हम कैंसिल करेंगे एंड यस। तो आप ये देख सकते हैं कि फाइल जो कि डिलीट हुई थी ये आ चुकी है। क्लिक करिए, ये एक था, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसी तरह सारी रिकवरी कर सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड या किसी भी ड्राइव से। मैंने अपने ड्राइव से करा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब।